साथ ही आप सभी का भारत दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी बहुजन समाज की न्यूज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुजन समाज की न्यूज। तो दोस्तों सबसे पहली खबर निकल के आ रही विवेक तिवारी के हत्याकांड को लेकर। विवेक तिवारी हत्याकांड में बहन जी का बड़ा बयान। विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में प्रदेश के ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, पूरे प्रदेश में भय का माहौल है। उन्होंने हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में मीडिया से ये सारी बातें कही। मायावती जी ने आगे सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, अब तक अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मैं योगी जी की जगह मुख्यमंत्री होती तो अब तक अफसरों के खिलाफ एक्शन ले लेती। तो दोस्तों ये खबर निकल के आई थी मायावती जी की तरफ से। दोस्तों अगली खबर बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी निकल के सामने आ रही है। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में बसपा के बाद अब कांग्रेस को इस पार्टी से भी मिल सकता है झटका। कांग्रेस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा से हाथ मिलाकर बीजेपी को मात देने का सपना देख रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को तगड़ा झटका देते हुए राज्य में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बसपा के बाद कांग्रेस को दूसरा झटका जय आदिवासी युवा शक्ति जयस से लग सकता है। जयस अध्यक्ष डॉक्टर हीरा लाल अलावा ने आज तक से बातचीत करते हुए गठबंधन के लिए कांग्रेस को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेट दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस को फैसला करना है। डॉक्टर हीरा लाल ने कहा कि गठबंधन को लेकर 2 अक्टूबर से पहले तक कांग्रेस किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम भी मायावती जी की तरह इंतजार नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले के कुशी में 2 अक्टूबर को होने वाली रैली में अपने 80 उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जब हम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे तो हमारे लिए निर्णय वापस लेना असंभव होगा। साथियों अगर आप और भी भोजन न्यूज जानना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा के हमारे चैनल में परमानेंट मेंबर बन जाइए। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।